न्यायालय को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारा ओबीसी का ट्रिपल टेस्ट करा करके निकाय चुनाव कराना है, इसके लिए मैं न्यायालय के इस फैसले को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से ओबीसी एकता अधिकार में स्वागत करती है। और जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस विधानसभा चुनाव में ओबीसी एकता अधिकार मंच की तरफ से सभी 81 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है और सभी सीटों पर जनरल सीटों पर अपना ओबीसी प्रत्याशी देगी। और यह राज्य जो है ओबीसी बहुल राज्य है, इसको प्रोपगंडा फैलाया गया है। हम 55% लोग झारखंड में ओबीसी परिवार के लोग निवास करते हैं और यह प्रोपगंडा बनाया गया है कि यह राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, यह राज्य ओबीसी बहुल राज्य है। और इसमें ओबीसी एकता अधिकार मंच के 81 विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी देकर के चुनाव जिता करके और सरकार बनाएगी। और निश्चित रूप से जहां पर हमारे एससी सीट है और एसटी सीट है, उन सीटों पर ओबीसी समर्थित प्रत्याशी हम लोग लड़ाएंगे और उनको चुनाव जिता करके विधानसभा में ला करके अपनी सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारी ओबीसी की महिलाएं हैं, उनको हम लोग कम से कम 40% सीटों पर ओबीसी की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और ओबीसी समर्थित एससी और एससी सीट पर भी 40% ओबीसी के समर्थित एससी और एसटी उम्मीदवार लड़ेंगी, जो ओबीसी एकता अधिकार मंच के तरफ से हम लोग पूरे 81 विधानसभा पर चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जो ओबीसी की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। तो हम लोगों ने समान विचारधारा के लोग जो साथ आना चाहते हैं ओबीसी एकता अधिकार मंच के साथ, उनको भी हम लोग साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी राज्य में रहते हों, कहीं भी उनका जनाधार हो और कोई भी वो बड़े नेता हो अपने पार्टी के, वो अगर ओबीसी एकता अधिकार मंच के साथ आकर के और सहयोग के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनका सहयोग हम लोग देंगे, वो हमें सहयोग करें। और हमारे जो भी बातें ओबीसी का हक और अधिकार की बातें हैं, वो विधानसभा से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से लेकर के और निचले स्तर तक जो हमारा अंतिम व्यक्ति है उन तक पहुंचाने का जो काम करेंगे, उनके साथ हम लोग सहमति के साथ चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।